तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका माउंटेन फैमिली में। और रद्विका चल पड़ी अपना बोझा लेके। आज 31 के दिन तो छुट्टी चाहिए थी यार, मिली नहीं आज छुट्टी। कल से छुट्टी आपको, आपकी विंटर हॉलीडे कैंसिल होगी इस बार। विंटर हॉलीडे जनवरी में। जनवरी में? अच्छा अच्छा, तो अभी इनको पढ़ने वाली है और आज है 31st, लास्ट डे ऑफ 2021। तो कल से रेजोल्यूशन क्या लोगे आप? कल से कुछ लेना पड़ेगा, जैसे मैं डेली 5 बजे उठूंगी। ऐसा मतलब बोलते हैं हर साल बचपन, शाम को आके बात करेंगे, अभी लेट हो रही है ये। और शाम को हमारी पार्टी भी आज है ना, करोगे आप पार्टी हमारे साथ एंजॉय? चलो जाओ अभी ना, बाय बाय। लंच ले गई ठीक है, बाय। बस तुम्हारे बोझा देख के तो डर लगता है। तो यार अभी आया हूँ मैं अपने फार्म हाउस पे। तो वैसे तो यार अपने, हमने 31st की पार्टी कसोल में रखी थी, बट कुछ एक क्लाइंट्स हैं मेरे जो कि यहाँ हमारे फार्म हाउस आने की ना बड़ी ज़िद कर रहे थे, तो बस उनके लिए ही अभी सफाई वगैरह की। थक गया यार सफाई करके, तो बड़े टाइम की सफाई करने को थी, वो कर दी, वरना बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, धूल थी, और काफ़ी ज़्यादा भी पीछे लोगों ने पार्टी की थी यहाँ पे, तो जिसके कारण यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, तो पूरा कचरा साफ़ करवाया। थक गया पूरी तरह, बस अब ऊपर घर जाना है, नहाना धोना है और अपनी भी शाम की थोड़ी बहुत पार्टी का इंतज़ाम करना है। तो इसी के साथ हम हो चुके हैं पूरी तरह से फ्री, काम नीचे करके। तो एक्चुअली यार आज शाम का प्लान अपना भी खुद का है कुछ, पार्टी करने का, पूरी फैमिली बैठेगी ऐसा लगता है मुझे। अभी उसी की तैयारी कर रहा हूँ साथ में, और थोड़े मुझे पहले क्लाइंट का भी करना पड़ेगा नीचे फार्म हाउस जाके, उसके बाद मैं ऊपर आऊँगा और यहाँ पे थोड़ी देर। तो मैंने अव्य और अद्विका दोनों को प्रॉमिस किया है कि हम सब पार्टी करेंगे आज। तो मेरे जो स्कूल के दोस्त थे वो आ चुके हैं घर, मेरे 4 टैडीज। टैडीज ठीक है, तो अब पार्टी करनी शाम को, छोड़ दो यार, क्या करनी है? चलो ठीक, करनी है, पिज़्ज़ा खाओगे? हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए हो, पार्टी करनी है बोले। तो अभी उसी पार्टी की तैयारी हो रही है, थोड़ी बहुत लकड़ी काट दूँ, बिकॉज मम्मा मुझे तंदूर की लकड़ियाँ नहीं यूज़ करने नहीं देंगे, तो इसलिए मुझे अपनी वो करनी पड़ेगी और मेहनत करनी पड़ेगी। गया कि नहीं गया? नहीं गया, अब जाएगा। हाय शिवम, मेरे चीड़ू। तो प्रगति फिर क्या मंगाया जाए आज पार्टी के लिए? बोन फायर का इंतजाम मैं कर दूंगा बाहर, बाकी चेयर अपने घर से प्लीज सब लाएं। और काफ़ियों की वो इच्छा थी कि हमारे बड़े भाई से मिलना, तो बड़े भाई दे, ये दिखा दी मैंने बड़े भाई, देखो उधर फ्री फायर खेल रहे हैं वो बड़े भाई। अभी नहीं खेल रहे फ्री फायर, तो ऐसे ऐसे है? वाला होता है ना, ऐसे वाला। हाँ तो ऐसे वाला होता। तो इस टाइम सब है, बस हमारी यहाँ पे बहन नहीं बैठी है, बट बहन की बेटी जरूर है यहाँ पे। मामा आप आ रहे हो पार्टी में आज? ये नहीं आ रही यार, इसको बुलाया नहीं हमने पार्टी में, ठीक है, हमने सिर्फ बुलाया है शिवम को बस। और अद्वी कभी नहीं आएगी बिकॉज वो जा रही है क्लास में, ट्यूशन है ना, सिर्फ मैं और मामू आप ही होंगे दोनों ना, अदु दीदी होगी ट्यूशन में, चक्री भी है ये देखो, बोले पटाखे जलाने, पटाखे के तुम्हारे यहाँ शादी है, बड़ी तगड़ी है? चक्री है ये, तो तुम्हारे को मैं पार्टी दे रहा था न्यू ईयर बाय द वे, हमारा भी नहीं है, कब है प्रकृति? मार्च में होता ना, हाँ मार्च में असली बनी हुई है ये, तो हम ऐसे ही बनाएंगे, चलो सब बना रहे तो हम उसमें भी सबकी खुशी में हम भी शामिल हो जाते हैं। बाय द वे इंडियन 2 बार बनाते हैं हमें मौका चाहिए, वैसे ही हमारे में वैसे इतना वो सेलिब्रेट करते हैं। और आर्मी देखी आपने? आपने ऐसे की सल्यूट की कि नहीं की? क्या बात है। चल मेरे घोड़े, चल मेरे घोड़े, नहीं मैं नाराज नहीं हूं, मुझे कोई नीचे पता कि आपने क्लाइंट्स हैं, मैं उनको हैंडल कर रहा हूं साथ में अपने फार्म हाउस पे। और अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बच्चे नाराज हैं आपसे, क्योंकि बच्चे जो है, अद्दू जो है वो ट्यूशन छोड़ के पार्टी के लिए बैठ रही है। शिट यार क्या करूं मैं, मतलब आई नो जानू, अब तू बता ऐसी बातें मत किया। मैंने सोचा था, देखो मैंने पहले सोचा था बड़ी इजीली हो जाएगा, बट 15 लोग हैं ठीक है, और बाकी जो दूसरा कसोल और मनाली वो अलग हैंडल चल रहा है, फ़ोन पे कोई पहुंच नहीं रहा है, कोई जाम में फंसा है, कोई क्या, सरदर्दी होगी है। तो आपको पहले से पता होना चाहिए ना कि 31st है, इसमें सरदर्दी होगी। तो माफ़ कर दे इस बार यार, और यहाँ पे इतनी गर्मी है कसम से, नीचे तो ऐसी ठंड है ना,
हाय बहुत ज्यादा ठंड है अपने यहाँ और अपने जो फार्म हाउस के एरिया में ज्यादा इंतजार, एटलीस्ट 3 डिग्री का तो फर्क है ही। शिवो हम आज पापा लेट आएंगे, ठीक है शिवो, शिवो लेट आएंगे। चलो यार तब तक मैं सिड्डू खा लूँ एक। न्यू ईयर पे सिड्डू तो अभी लाजवाब घी जलेगा मस्त वाला। वाह यार अपने इस बहन को इतना तंग करता है। पापा आज ना थोड़ा लेट आएंगे, रोना नहीं ठीक है 31st पे। आई डोंट केयर। तो आदु नाराज तो नहीं मुझसे ना आज? आई डोंट केयर। आज की पार्टी कल शिफ्ट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है ना, आज थोड़ा क्लाइंट है पापा, समझ सकते हैं तो पापा को। यस देखो कितनी समझदार बेटी है ये, पापा की तकलीफ समझ रही है। पापा मैं अगर काम करूंगा तभी तो पैसा आएगा, तभी तो पार्टी होगी ना। हाँ देखा, इसको बोलते हैं बेटी और बाप की जुगलबंदी। ठीक है तो बढ़िया है। बीवी नहीं समझती पर भाई बेटी जरूर समझती है। भाई बीवी ने कुछ बोला ही नहीं। हाँ बीवी ने बोला नहीं कोई, मुझे पहले से ही पता है। इतने सालों में मैं जानती हूँ कि आपकी जो नियत है वो ऐसे पलट जाती है। देखा मेरी बेटी समझ गई, पर ये पत्नी तो भाई मुझे कोस रही है कि नियत बदल गई, जैसे पता नहीं मैं कहीं पार्टी खुद करने जा रहा हूँ। नहीं नहीं ये हमेशा ही ऐसा करते हैं कि बोलते हैं ना पर वादा निभाते ही नहीं है, जुबान के पक्के नहीं है बिल्कुल भी। चलो और हमारी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर तो बोल दे सबको। और हम सब माउंटेन फैमिली की तरफ से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आप सभी की जिंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लेके आए, तरक्की लेके आए। शिवम को जाना है, शिवम को नीचे जाना है अपनी बड़े मम्मी के पास जहाँ से दीदा आई है। दीदा अद्दू दीदी आई है। चलो ठीक है बाय बाय। तो अब हम नीचे मिलेंगे यार, पार्टी दिखाता हूँ मैं आपको थोड़ी बहुत। अब वो आ गया तो आ जाए यार। तो यहाँ देसी जुगाड़ से पिज्जा तैयार कर रहे हैं हमारे भाई। आग आ रही है दर्शन देने। देसी पिज्जा हमारे भाई ने, ये भाई जी भाई के द्वारा बनाया गया अभी ताजा था, वो भी बड़ा सा पीस उठाओ देसी स्टाइल में। क्या कर रहे भाई तैयार? ये जो हमारे शिमला वाले भाई क्या तैयार कर रहे हैं? शिमला वाले हैं? शिमला वाले भाई है, शिमला नहीं मिर्च नहीं काट रहे। नहीं नहीं मैं पैदा भी शिमला में। अच्छा अच्छा मैं तो आपको कैसे पता चल गया? नहीं नहीं मैं तो शिमला मिर्च की बात कर रहा। लाइक करो भाई रे मुंह ना बना के रहे हो जी? ये बन रहा है चिकन। क्या बात है, ग्रेवी वाला चिकन। हां चिकन लकड़ी भी सलामी साइड भी क्या? अच्छा उधर चल रहा है दूसरी साइड, तो उधर भाभी क्यों चला है? इसी के साथ भाई 2022 स्टार्ट हो चुका है, तो भाई सबको हैप्पी न्यू ईयर। देशराज हैप्पी न्यू ईयर। हाँ भाई बस तो यहाँ पे चलिए धाम अपनी रात को 12 बजे। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज के इस व्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड स्टे सेफ।